एसीएन न्यूज के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के मंत्री ओम प्रकाश शुक्लेचा दमोह पहुंचे, जहां पर उन्होंने निजी बैठकों में हिस्सा लिया। इसके साथ ही उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न तरह की कार्य योजनाओं पर भी चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने वर्तमान में कर्नाटक के चुनाव के दौरान कांग्रेस के द्वारा बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाए जाने की घोषणा पत्र में उस मांग को शामिल किए जाने, साथ ही मध्य प्रदेश के प्रदेश में और दमोह पहुंचे कमलनाथ के द्वारा दिए गए बयान को लेकर के भी अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा मंत्री ओम प्रकाश शुक्लेचा ने मीडिया से चर्चा के दौरान, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज। बस दमोह मेरा आगे कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के सिलसिले आया, एक छोटी सी बैठक भी थी। और बैठक के साथ यहाँ पिछले बार कुछ नए एंटरप्रेन्योर को कुछ इंडस्ट्री के बारे में जानकारियाँ चाहिए थी। जैसे अभी आप भी देख रहे थे कि वो पूछ रहे हैं तो कैसे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगे, उस पर चर्चा करते हुए आगे निकले। सर, दमोह में कमलनाथ जी का दौरा हुआ, भाजपा हमेशा पूछती रही कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या था, क्या किया है। तो आज कमलनाथ जी ने बोला है कि मोदी जी और शिवराज जी जिस स्कूल में पढ़े हैं वो कांग्रेस ने बनाया। देखो एक सेकंड, उस समय जो दिया वो कुछ एबनॉर्मल लोग ही आगे आ पाए। नेहरू ने जब 2 करोड़ लोग कुल थे, देश आज़ाद हुए, जब युवा उनको स्किल सेट नहीं दे पाया, जिसके कारण भारत को 75 साल परेशान होना पड़ा। ये मेरा सवाल है। उस समय मात्र 2 करोड़ युवा थे ना जिनको ट्रेनिंग देनी थी, उनने पॉपुलेशन को लाइबिलिटी बना के मजाक कर दिया। और आज का प्रधानमंत्री एजुकेशन को डिजिटल करके दुनिया का सबसे एडवांस ले जाने की कोशिश कर रहा है। आज CM राइज स्कूल की आज क्यों कल्पना आ रही है? क्यों अंग्रेजों की जरूरत वाले पेटेंट को चलाया? एजुकेशन में क्या चलाया था? फॉलो द इंस्ट्रक्शन, जितना बोला जाए उतना करो, ज्ञान नहीं दिया। ये तो कुछ समाज और सोसाइटी और बाहरी वातावरण से ये लोग निकल के आए, वरना पूरा समाज क्यों नहीं आगे बढ़ा? आप बताइए, आप पूछिए उनसे क्या कारण रहा, क्योंकि फॉलो द इंस्ट्रक्शन किसने बनाया? राइट टू एजुकेशन का बिल अटल जी की सरकार ने, मुरली मनोहर जोशी ने बनाया। और जब राइट टू एजुकेशन का बिल बना, उसी के बाद चर्चा शुरू हुई कि अब स्किल सेट को कैसे इंटरनेशनल लेवल का बनाना, और क्यों केवल फॉलो द इंस्ट्रक्शन का पैटर्न चलाया इनने? क्या इनको भी केवल गुलाम चाहिए थे? क्या इनको भी देश को आज़ादी के बाद इंडिपेंडेंट होने की सोच नहीं पैदा होने देनी चाहिए? क्या विचार था उनसे पूछिए। देखिए, विधानसभा चुनाव की रणनीति पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री बनाते हैं। मैं तो यहाँ विभाग की चर्चा करने आया हूँ, विभाग की चर्चा करके कुछ नई एंटरप्रेनर्स को तैयार करके निकल जाऊँगा। लेकिन काफ़ी संख्या में मंत्रियों के दौरे हो रहे हैं और संगठनात्मक भी दौरे हो रहे हैं, कुछ खास होने वाला है? सब सामान्य है। महीने में 15 दिन हर मंत्री औसत में दौरे करता है, तो हिसाब लगा लो 30 मंत्री हैं, 15 दिन दौरे करते हैं, तो हर गांव में शहर में आने का किसी न किसी को तो अवसर मिलता ही है। आज कमलनाथ जी का दमोह दौरा था, उन्होंने कहा है कि दमोह जिले में जो जवेरा विधानसभा उसमें जितने भी आदिवासी थे उनको उनके पट्टे आपने ले लिए, उनकी सरकार आते ही उनको पट्टे वापस देगी। देखिए, जहाँ तक मेरी याददाश्त काम करती है, दिग्विजय सिंह के ज़माने में दूसरे के कब्जे वाली ज़मीनों के पट्टे दिए थे उन्होंने 2002 में, और पूरे समाज में 15 साल तक उसके विवाद झेलते रहे। पट्टे देना था तो उस पट्टे पे, जैसे आज शिवराज जी बोल रहे हैं कि पहले निशान लगाओ, जगह खाली करवाओ, फिर उस गरीब आदमी को पट्टे का लालच दो, वरना आपने उसको कागज़ का पट्टा देके समाज में द्वंद्व फैला दिया।
और वो जो बातें करते हैं उनकी बातों को कौन सीरियसली लेता है? जरा मुझे 5 आदमियों के नाम तो गिनाओ, चाहे कहाँ गए किसान के 2 लाख की माफ़ी, कहाँ गया बेरोजगारी भत्ता, कहाँ गया असंगठित श्रमिक के लोग, कहाँ गए विवाह के पैसे, कितने सवाल पूछूं मैं? 50 सवाल पूछ सकता हूँ। देखिए, उनकी बात की विश्वसनीयता होती तो आज कांग्रेस, जिसको पूरा देश पे जिसका कब्जा था, आज मात्र 20% पॉपुलेशन में क्यों सिमट गई? सिमट तो 20% पे ही गई ना, राज तो आज उनका उतना ही बचा। वाई, और जो 0 थी उस समय वो आज 70% पब्लिक पे भाजपा के और उसकी समर्थित सरकार की राज है। तो जनता का फैसला, जनता का रिएक्शन और जनता का एक्शन तीनों स्पष्ट है। वो समझे या ना समझे, वो मुंगेरी लाल के सपने देखे तो वो बिल्कुल, उनको कम से कम सपने में तो खुश होने का अधिकार हमें भी देना चाहिए। धन्यवाद। देखिए बहुत सीधी बात है, मैं उनके इस बात का वर्थ नहीं मानता जो आतंकवादियों के आगे जी लगाते हों, जो पाकिस्तान के हमले पे सवाल जवाब उठाते हों, वैसे आदमियों के जवाब सवालों का जवाब देना भी उचित नहीं है। धन्यवाद।